हालांकि सीरत के जलसे होते हैं, हर साल होते हैं, इजलास होते हैं, बताया जाता है, नाते पढ़ी जाती हैं, नातों और नातों के अंदर भी नाते पढ़ी जाएं, ठीक है, कोई मना ही नहीं है, अच्छी नाते पढ़ी जाएं अल्लाह के रसूल सल्लम की नाते पढ़े, लेकिन नातों के अंदर रह क्या गया सिवाय तीन मजमून बचे, उसके और कुछ भी नहीं है, तीन सब्जेक्ट पर नाते चल रही सब की सब, मदीनी की गलियाँ आपसे बढ़कर कोई नहीं, सब जिसको देखो तो सब यही गा रहा है, अब सिफारिश करेंगे, सही है बात, आपसे बढ़ के कोई है भी नहीं, मदीनी की गलियाँ वो ठीक है, वो भी सब चीज़ें सही बात है, सिफारिश करेंगे इसमें कोई शक नहीं, सारी चीज़ें, लेकिन क्या आपकी ज़िंदगी का बस ये तीन ही मौजू बचे हैं जिसपे सारे नाथ खा लगे हुए, इसके अलावा कोई आगे बढ़ते हैं चौथी बात कोई बोलने को तैयार नहीं, आप अल्लाह के रसूल सल्लम की ज़िंदगी का एक एक लम्हा उसके लिए नाते लिखी वो शेर लिखे जाना चाहिए, उसको आम किया जाना चाहिए, हर एक शोबा कितने शोबे अल्लाह के रसूल सल्लम की ज़िंदगी के, और सब क्या ये मदीने की गलियाँ और यही बची सिर्फ, इसके अलावा नाते ही नहीं लिख रहे आगे लोग, कि शायरों के पास में ख्याल ख़त्म हो गए, कि अल्फाज ख़त्म हो गए, या वो सीरत को भूल गए, जा जो लिखते नहीं हो, लिख रहे कम से कम तो लिखे तो उनके बारे में भी लिखे, और ये सब चीज़ें इन हिस्सों का भी ख्याल रखें, तो आपकी सीरत सिर्फ नबूत की बात की नहीं है, उनकी पैदाइश से पहले की भी ज़िंदगी हमारे लिए नमूना है, सिर्फ ऐसा नहीं कि बाद की ज़िंदगी है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन ही से अल्लाह ने निगरानी की, बचपन ही से निगरानी की है, और ये सब जो आज चल रहा है उनके बचपन में गुजरा है, तो हम भी इसको ख़त्म करने की कोशिश करें, किस तरह उन्होंने किया, तो सीरतों का बयान करें तो इन बातों का भी ख्याल रखें, मिलाद तो पढ़ी जा रही है, मिलादें पढ़ी जा रही है, कि आप अजीम है, आप आला और उला है, इसमें जर्रा बराबर शक नहीं कि है वो, कि अल्लाह के रसूल सबसे आला और उला है, सबसे अजीम है, वो सब अपनी जगह है, लेकिन ये इससे आप पढ़ रहे हैं, इससे आपकी ज़िंदगी में बदलाव क्या आया, रात रात भर आप मिलादे पढ़ रहे हैं, तो बदलाव तो कुछ नहीं आया, जाग रहे हैं पढ़ रहे हैं, वो बगैर फर्जर पढ़ रहे सो रहे हैं फिर, तो फिर बदलाव क्या आ रहा ज़िंदगी के अंदर, फिर ऐसी सीरत और ऐसी मिलाद पढ़ने से फ़ायदा क्या, कि ज़िंदगी के अंदर तब्दीली नहीं आ रही, तो एक तो कर रहे हैं जो गैर वो भी नहीं है साबित भी नहीं, वो चीज़ें कर रहे हैं, उसके बाद फिर उससे कोई फ़ायदा भी उनको नहीं मिल रहा है, तो ये भी देखें कि हम को ये देखना है कि अल्लाह के रसूल से जिस तरह समाज से गंदगी को निकाला और गंदगी को साफ किया, तो हमें भी वो ऐसे ही साफ़ करने की कोशिश करनी चाहिए, इस माशरे को और उनके मिशन जो वो छोड़ कर गए उसको कामयाब करना चाहिए, और बचपन इस हर लेवल के अंदर अल्लाह के रसूल से ज़िंदगी बचपन से जवानी के अंदर, फिर उसके बाद में जो अधेड़ उम्र जिसको हम कहते हैं 40-45 साल की ज़िंदगी उसके अंदर, इसके अलावा फिर जो है बुढ़ापे की ज़िंदगी, हर दौर की ज़िंदगी अल्लाह के रसूल सल्लम की, मियाँ बीवी के ताल्लुकात की, बच्चों से ताल्लुकात की, पड़ोसी से ताल्लुकात की, रिश्तेदारों से ताल्लुकात की, हर चीज़ की अल्लाह के रसूल की सीरत हमारे पास मौजूद है, तो वो बयान करने की ज़रूरत है, तो उसके बाद इस मिशन को लेकर जाएंगे, जो उन्होंने किया वो अमल करेंगे, सिर्फ पढ़ नहीं लें कि भाई मैंने यह बयान कर दिया कुछ बचपन का और कोई ने का बयान कर दिया, भी सुनते चले जाए, बदलाव की ज़िंदगी में नहीं आए, उस मिशन को हम आगे लेकर नहीं जाए तो कोई फ़ायदा नहीं, तो इसको कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, उम्मत ही कहलाने का हक तो तभी रखेंगे होगा हमारा जबकि हम उस चीज़ को अमल में लेकर आएँ।